देखिए ये डिजाइन ये बना के लाई हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है ये। ये कमल के फूल जैसा डिजाइन बनता है ये, आप किसी भी कलर में बनाइए तो ये बहुत ही बढ़िया कोटी का डिजाइन जैकेट के लिए है ये। ये इसका शॉल भी बना सकते हैं तो बहुत सुंदर सा बनता है ये। तो ये मैंने बनाया है, ये चार पलाई के ऊन से बनाया है, बारीक वाला चार पलाई का ऊन है और आठ नंबर का क्रोशिया है ये मेरा जिससे बनाया है मैंने। अब जिस हिसाब से इसमें वो लगता है ऊन उसी हिसाब से क्रोशिया भी लगाना पड़ता है, अगर बारीक ऊन है तो इससे भी क्रोशिया कम नंबर का बनाना पड़ेगा, और अगर इस तरह का बनाती हैं चार पलाई के ऊन वाला तो आठ नंबर का क्रोशिया लगेगा इसमें। और आप इसको कुछ भी बना लीजिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्यारा सा लगता है, बन के आता है ये। मैं पहले ये चैन बना के आप देखिए कि कितना चौड़ाई हमें चैन चाहिए, उस हिसाब से यहाँ बॉर्डर पहले बनाइए और इसके बाद ये बनाना शुरू कीजिए तो ये बहुत ही बढ़िया सुंदर सा बन के आएगा ये डिजाइन। मैं दूसरे पर बना कर दिखाती हूँ ये कैसे बनेगा ये। तो देखिए अभी मैंने ये चैन इतना बना लिया है, अब इसके ऊपर मैं बना रही हूँ। तो ये शुरू में हम ये एक दो तीन चार पाँच, पाँचवें में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बना के दो बीच में चैन बना लेंगे और फिर वापस इसमें तीन बार और बनाएंगे। ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ से हम एक और दो दो चैन बना के ये नीचे वाला जो चैन है इसको एक दो ये तीसरे वाले में इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। यहाँ एक दो तीन चार, यहाँ चार चैन बनाएंगे और फिर ये नीचे एक दो तीन ये चार, चौथे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन, फिर चौथे वाले में हम सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। एक दो तीन चार, चार चैन पिन बनाएं और ये एक दो तीन चौथे वाले में अब हम यहाँ भी सिंगल क्रोशिया से बना लिया, हमें एक दो तीन चार जगह सिंगल क्रोशिया से बनाने हैं ये। यहाँ से एक दो दो चैन बना के एक दो छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनेगा यहाँ, फिर बीच में दो चैन बनेगा और फिर वापस इसमें तीन डबल क्रोशिया बनेगा। अब यहाँ से हम एक दो तीन तीन चैन बना के फिर दूसरी तरफ आएंगे और इसमें फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तीन डबल क्रोशिया बना कर बीच में दो चैन बनाएंगे और इसमें फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ हम एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। एक ये छोड़ देंगे और ये दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से बंद कर दिए। एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन बना के फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन बना के फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कराएंगे। एक दो यहाँ दो चैन बना के हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में दो चैन बनाएंगे और इसी में फिर से तीन डबल क्रोशिया और बनाए रहेंगे। एक दो तीन तीन चैन बना के फिर दूसरी तरफ आएंगे। यहाँ इसमें फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन दो चैन बनाएंगे बीच में और फिर इसमें तीन और डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन चार चार चैन बना के अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। एक दो तीन चार पाँच बीच में पाँच चैन बनाएंगे फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। एक दो तीन चार चार चैन बना के हम यहाँ से यहाँ इसमें आएंगे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन दो चैन बना के फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन तीन चैन बना के दूसरी तरफ आएंगे। अब इसमें डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे तीन बीच में दो चैन बना के फिर वापस इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ हम यहीं से चैन बनाएंगे एक दो तीन चार
पाँच, छः, सात, सात चैन बना लिए। सात चैन बना के अभी इसके बीच में सात चैन बना के अब इसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। ये यहाँ पे एक चैन बना के अब इधर हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो बार। दो बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर तीसरा बार में एक बार ये धागा घुमाएंगे क्रोशिया पर और फिर एक बार में इसको बंद कर देंगे। फिर धागा घुमाएंगे और फिर से हम इसको एक बार में तीनों को कंधों को बंद कर देंगे। ये चार बार हो गया, हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाया, दो बार हमने धागा घुमा कर बनाया। अब हम फिर इसको डबल क्रोशिया की तरह ऐसे बनाएंगे छः बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः बार बना लिए। और यहीं से हम अब धागा क्रोशिया से यहीं से हम अब इस पे चैन बनाएंगे। फिर ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात चैन बना के चैन बना के हमने यहाँ पर बंद किया था इसके बीच में सिंगल क्रोशिया से। अब ये सात चैन बना के फिर यहीं से हम सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे इसको ऐसे। अब दूसरी तरफ घूम जाएंगे इधर और जैसे यहाँ बनाया सिंगल क्रोशिया दो बार और इसे सिंगल क्रोशिया यहाँ दो बार बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया दो बार बना के तीसरी बार ये एक बार धागा घुमा लेंगे क्रोशिया पे और फिर ऐसे ये तीन को एक साथ बंद करेंगे। फिर एक बार घुमाएंगे और ये तीन फंदे को एक बार में बंद करेंगे। अब ये चार बार हो गया हमारा। अब फिर से घुमाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे छः बार। ये छः बार बना लिया। अब ये बना पूरा ये छः और ये चार, ये दस बन गया पूरा हमारा। यहीं से फिर हम सात चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और फिर ये दूसरी तरफ आके इसमें बंद कर रहे हैं यहाँ। फिर इसको ये सात चैन बना के फिर
फिर यहीं पे आके ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर इधर घूम जाएंगे सीधी तरफ और दो बार सिंगल क्रोशिया फिर बना लेंगे यहाँ। दो बार सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर अब तीसरी बार में एक बार धागा घुमाएंगे क्रोशिया पर और ऐसे तीन फंदे को एक साथ बिन लेंगे, फिर से घुमाएंगे और फिर एक बार तीनों को एक साथ बिन लेंगे, ये चार बार हो गया। अब फिर हम ये छह बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच ये छह बार बन गया हमारा। यहीं से हम फिर सात चैन बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन बनाए और फिर इधर इसको उल्टी तरफ ले आके हमने इन तीन को यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बांधा है। यहीं पर इसके साथ में फिर से हम सिंगल क्रोशिया से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से बन के आएगा ये डिजाइन। अब यहाँ फिर हम इधर दूसरी तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो बार, दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार तीसरी बार में धागा घुमा लेंगे, तीन को एक साथ बंद करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, तीन को एक साथ बंद करेंगे। अब ये चार बार हो गया, अब हमें छह बार डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। एक दो ये तीन चार पांच छह बार बना लिए तो ये पूरा हमारा दस हो गया। देखिए हमारा चार बन गया, एक और बनाएंगे, पांच पांच बार बनाने हैं। तो यहाँ फिर यहाँ से हम एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन बना लिया और फिर हम यहाँ पे इन ये जो हमने चार बंद किया है यहीं पर इसको भी साइड में बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। अब ये दूसरी तरफ हम ले आएंगे और दूसरी तरफ से जैसे सब में बना रहे हैं वैसे ही इसमें भी फिर हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो, फिर एक बार धागा घुमा के
फिर दूसरी बार धागा घुमा कर एक बार में ये तीनों बंद कर देंगे। अब ये चार बना दिया हमने, अब छह फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब हम यहाँ चैन नहीं बनाएंगे, ये हमारा पांच का ही बनता है ये डिजाइन, पांच फलियाँ बनती है ये, हमने पांच बना लिए। अब यहाँ हम चैन नहीं बनाएंगे और यहीं से यहाँ आके हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया बना के बीच में दो चैन बना लेंगे और फिर वापस इसमें तीन और डबल क्रोशिया बनेगा। अब एक, एक दो तीन, तीन चैन बना के फिर इस दूसरी तरफ घुमाएंगे और फिर इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और तीन डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। अब यहाँ से हम ये एक दो तीन, तीन चैन बना के यहाँ सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। एक दो तीन चार, चार चैन बना के फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। एक दो तीन चार, चार चैन बना के फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। एक दो तीन चार यहाँ बंद कर देंगे। एक दो तीन, तीन चैन बना के अब यहाँ आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे तीन। बीच में दो चैन बना के फिर इसमें और तीन डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आएगा आपको। अब ये हमने यहाँ पर फिर से बना दिया, ये चैन डाल दिया। अब इसके ऊपर ही फिर डिजाइन आएगा। ये हमने एक दो तीन, तीन चैन बना के फिर यहाँ हमें बार बार इधर से भी तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसमें फिर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बीच में दो चैन बना के फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ एक दो तीन,
तीन चार, चार चैन बना के ये छोड़ देंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर एक दो तीन चार, चार चैन बना के फिर यहाँ पे बंद करेंगे सिंगल क्रोशिया से। एक दो तीन चार, फिर यहाँ बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। एक दो, यहाँ दो चैन बनाएंगे, दो चैन बना के यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया फिर तीन बनाएंगे। बीच में दो चैन बनाएंगे और फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक दो तीन, तीन चैन बना के अब दूसरी तरफ से फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया। बीच में दो चैन और फिर तीन डबल क्रोशिया। एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बना के यहाँ बंद करेंगे। एक दो तीन चार, यहाँ चार चैन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया तीन। दो चैन बना के फिर इसमें तीन और डबल क्रोशिया। एक दो तीन, तीन चैन बना के अब फिर दूसरी तरफ से फिर इसमें डबल क्रोशिया तीन बार। अब बीच में दो चैन बना के अब फिर से यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ जैसे हमने यहाँ बनाया है, अब यहाँ पे से फिर हमारा यही वाला डिजाइन शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसे हमने ये बना लिया दो और ये तीसरी बार में हम यहाँ पांच, पांच चैन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से हम एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात चैन बनाएंगे और यहाँ पे आके सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे।
फिर हम इधर ले इस तरफ आके जैसे हमने नीचे यहाँ पे बनाया दो सिंगल क्रोशिया, वैसे यहाँ पे भी दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले शुरू में ऐसे। तीसरी बार में फिर यह धागा घुमा के फिर इन तीन को एक साथ बंद करेंगे, फिर एक बार धागा घुमाएंगे फिर इन तीन को एक साथ बंद करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम ये चार बना लिया, अब छः जैसे यहाँ पे बनाने के बाद हमने छः डबल क्रोशिया बनाया उसे अब यहाँ पे छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, अब यहीं से हमें फिर से हम ये सात चैन बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इस तरफ आएंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। इस तरफ आके फिर हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें दो बार, दो बार बनाएंगे धागा घुमा के छह बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक दो तीन चार पाँच छः, यहीं से फिर हम एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन बनाएंगे और फिर इस तरफ ले आके जैसे दो को बंद किया यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आके फिर से साथ में इसको बंद कर देंगे। फिर से इस तरफ आ जाएंगे सीधी तरफ और फिर जैसे हमने सब में ये बनाया है वैसे ही फिर से हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार धागा घुमा के बनाएंगे क्रोशिया पे ऐसे। फिर छह बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे,
देखिए अब ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनता जाएगा। जैसे इसमें हमने पांच बनाया है वैसे ये पांच बनेगा यहाँ पे आके। तो इसी तरह आपका रिपीट करना है ये बार बार, और ये डिजाइन बनता चला जाएगा खूबसूरत सा। किसी भी चीज़ में डाल लीजिए। अब हमने तीन बनाया, अभी दो और बनेगा। जैसे यहाँ पांच बना है वैसे सेम बिल्कुल इसी तरह से रिपीट करते जाना है, और ये डिजाइन खूबसूरत सा बनते जाना है। और ये मेरा डिजाइन बना के देखिए एक बार ट्राई करके, और ये मेरा डिजाइन अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।